शहर के महावीर पार्क के उजड़े हालातों की खबर डीसीएन लाइव द्वारा प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद जिम्मेदारों ने अब पार्क की सुध लेनी शुरू कर दी है। महावीर पार्क में लाखों की लागत से नवनिर्माण और सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। पार्क में बच्चों के लिए झूले लगाए जा रहे हैं तो जल्द ही लंबे समय से बंद पड़ी टॉय ट्रेन के पहिए भी दौड़ते नजर आएंगे। वहीं पार्क में हरितिमा को लेकर नए गमले लगाकर पौधे लगाए जा रहे हैं तो बैठने के लिए नई बेंच भी लगाई जा रही है। लंबे समय तक बेरुखी के बाद बाड़मेर के एकमात्र विकसित उद्यान महावीर पार्क अब वापस गुलजार होने जा रहा है। खासकर बच्चों के लिए महावीर पार्क में इन दिनों झूले लगाए जा रहे हैं ताकि पार्क में आने वाले नन्हे मुन्ने आनंद उठा सके। दरअसल यहाँ कई वर्ष पहले बच्चों के लिए झूलों के साथ ही मनोरंजन के लिए टॉय ट्रेन आदि लगाए गए थे, लेकिन लंबे समय से टॉय ट्रेन बंद थी तो झूले भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। आलम यह हो गया था कि बच्चों का महावीर पार्क से मोह भंग होने लगा, और तो होता भी क्यों नहीं। बच्चे जब महावीर पार्क में पहुंचते तो उनके अभिभावक टूटे फूटे झूलों पर बच्चों को खेलने से मना कर देते और बच्चे भी बंद पड़ी टॉय ट्रेन को देखकर मन महसूस कर रह जाते। ऐसे में नन्हे मुन्नों को पार्क से हमेशा बेरंग लौटना पड़ रहा था। महावीर पार्क की इस बदहाली को डीसीएन लाइव द्वारा प्रमुखता से प्रसारित कर उजागर किया गया। डीसीएन लाइव द्वारा सिलसिलेवार समाचार प्रसारित किए गए तो जिम्मेदार कुंभकर्णियां नींद से जागर और पार्क के बेहतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। महावीर पार्क में लाखों की लागत से नवनिर्माण के साथ ही सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। पार्क में बच्चों के लिए झूले लगाए जा रहे हैं तो जल्द ही लंबे समय से बंद पड़ी टॉय ट्रेन के पहिए भी दौड़ते नजर आएंगे। वहीं पार्क में हरितिमा को लेकर नए गमले लगाकर पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पल सुकून से बिताने के लिए बैठक व्यवस्था को लेकर नई बेंचें भी लगाई जा रही है। टॉय ट्रेन जो 2 साल पहले कोरोना काल में लगाई गई थी वो बंद होने की वजह से उसको रिपेयर करा के चालू किया जा चुका है। पिछले 3-4 साल से जो फुहारे बंद पड़े थे उनको भी दुरुस्त किया जाकर बुधवार तक शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए ओपन जिम, मल्टीपल प्ले स्टेशन लगाए जा चुके हैं और तीनों जगह लगाए जाएंगे, जो वहाँ म्यूजियम है उसके दाईं और बाईं तरफ और पुराना जो गार्डन है उसके अंदर लग चुके हैं स्थापित। इसके अतिरिक्त जो बगीचे सार्वजनिक उद्यान में जो लाइटें वगैरह सारी बंद थी उन लाइटों को चालू करा दिया गया है और एक 21 लाइट का जो पोल था उसको भी चालू करा दिया गया है। इसके साथ साथ पार्क में जो लगभग 7-8 साल पहले सीटिंग बेंचें लगाई गई थी उनको भी चेंज करा के नई लगाई जा चुकी है और जितने भी गमला स्टैंड थे उन सब पर लगभग 180 गमले लगाकर और जो सीजनी पौधे हैं उनको सीजनी पौधे और जो सौंदर्यकरण के पौधे हैं उनको लगाया जा चुका है एवं काफ़ी प्रयास करने के बाद में नगर परिषद द्वारा अब इस बगीचे का आगामी 6 माह के लिए रखरखाव संवेदक को दिया गया है ताकि व्यवस्थित रूप से हो सके। इसके अलावा बगीचे के अंदर लाइट जाने के बाद में अब सोलर लाइट और इन्वर्टर लाइट भी लगाई जाएगी ताकि कुछ समय के लिए अगर लाइट जाती है तो आम नागरिकों को अंधेरे के अंदर परेशानी नहीं हो, यह भी लाइटें 3 दिन में लग जाएगी। बाड़मेर शहर के महावीर पार्क का इन दिनों कायाकल्प हो रहा है। यहाँ लगे झूले समेत बच्चों के मनोरंजन के अन्य उपकरण लंबे समय से खराब पड़े थे, इसके बाद अब यहाँ नए झूले लगाने के साथ ही फिसल पट्टी समेत अन्य मनोरंजन के उपकरण लगाए जा रहे हैं। पार्क को हरा भरा बनाने के साथ ही टॉय ट्रेन को भी पुनः शुरू करने का कार्य किया जा रहा है। पार्क में आने वाले नन्हे मुन्नों के मनोरंजन के लेकर विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए जा रहे हैं।